राधे राधे दोस्तों, जन्माष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो कान्हा जी के लिए आज हम भोग थाली बनाने वाले हैं। तो जो हम भोग बनाने वाले हैं, ये फलाहारी भोग बनाने वाले हैं। और अगर हमने कोई तैयारी नहीं की है जन्माष्टमी के प्रसाद के लिए, तो ये ऐसी थाली है जो इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है और घर के ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाएगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे हम चरणामृत, जो प्रमुख प्रसाद होता है भोग थाली का। आधा कटोरी कच्चा दूध लिया है। प्रसाद मैं कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो के पर्पस से बना रही हूँ। तो जितना मैंने दूध लिया है, उसका आधा मैंने लिया है दही। तो दही को अच्छे से मिलाकर हम इसमें मिक्स कर लेंगे। चरणामृत को पंचामृत भी कहा जाता है, क्योंकि उसे पांच चीज़ों से बनाया जाता है। तो हम इसमें पांच चीज़ों के अलावा और भी काफ़ी चीज़ें डाल सकते हैं। तो इसके लिए मैंने इसमें डाल दिया है 2 चम्मच मिश्री। मिश्री होगी तो अच्छा है, अगर मिश्री ना हो तो आप चीनी डाल सकते हैं। उसी के साथ मैंने एक इलायची भी डाल दिया है इसमें। और इसके बाद हम डालेंगे 1 चम्मच शहद। इसके बाद डाल देंगे 1 चम्मच गंगा जल। थोड़े से डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़े से बारीक बारीक काट कर डाले हैं। थोड़ा सा सूखा नारियल डाल रही हूँ, किशमिश, बादाम और थोड़े से काजू, और मखाने हो तो मखाने भी डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिश्री को घुलने में टाइम लगता है, तो इसे हम थोड़ी देर ढककर साइड रख देंगे। और हाँ, इसमें हम लास्ट 1 तुलसी का पत्ता डालकर रखेंगे। वैसे तो कान्हा जी को 56 भोग लगाए जाते हैं, पर 56 भोग पॉसिबल नहीं हो पाते, तो हम 5 भोग बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो बाकी का भोग बनाने के लिए हमें मीठा यानी मिश्री हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मिश्री नहीं है तो आप चीनी ले सकते हैं। तो मैंने ली है 1 कटोरी चीनी और उसमें कुछ इलायची के दाने, उसे मैंने पीस लिया है। तो अब कढ़ाई गर्म करेंगे। तो हम बनाने जा रहे हैं लड्डू। तो लड्डू हम बनाएंगे नारियल के बुरादे से, यानी डेसिकेटेड कोकोनट से। तो इसके लिए कढ़ाई गर्म करेंगे। गैस की फ्लेम को हमें लो रखना है। और मैंने लिया है 1 कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट, यानी नारियल का बुरादा। अगर मेज़रमेंट की बात करें तो आप 1 कटोरी बना लीजिए, उसी हिसाब से आप चीनी लीजिए और उसी हिसाब से आप दूध लीजिए। तो 1 कटोरी मैंने लिया है नारियल का बुरादा, उसे हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो घी ज़रूर मिलाइए और उसे अच्छे से मिक्स करते हुए रोस्ट कर लीजिए। गैस की फ्लेम को हमें कम ही रखना है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर जल्दबाजी में हमें भोग तैयार करना है और हम नारियल के लड्डू बना रहे हैं, तो इससे अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं है, क्योंकि नारियल के लड्डू बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो इसे हल्का सा रोस्ट करने के बाद हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी हो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैंने डाले हैं थोड़े से कटे हुए काजू, बादाम और किशमिश। तो ड्राई फ्रूट्स को भी हम अच्छे से मिक्स करते हुए रोस्ट कर लेंगे। हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना, बस इसका हल्का सा मॉइस्चर रिलीज़ करना है। उसके बाद हम डाल देंगे 1 कटोरी दूध। जिस कटोरी से हमने नारियल का बुरादा लिया था, उसी कटोरी से हमको दूध लेना है। दूध आप कोई भी ले सकते हैं, फुल फैट, लो फैट, आप कोई भी दूध ले सकते हैं। आप इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लीजिए। इसी तरह नारियल के बुरादे से नारियल की बर्फ़ी भी बनती है। मैंने अपने चैनल पर बनाई हुई है ये वीडियो, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आज हम लड्डू बना रहे हैं। तो इसी तरह 1-2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी। जो हमने चीनी पीस कर रखी हुई थी, वो हम 1 कटोरी चीनी डाल देंगे। 1 कटोरी बुरादा लिया था हमने, 1 कटोरी दूध लिया था और 1 कटोरी ही हम डाल रहे हैं पिसी हुई चीनी। चीनी आप अगर कम खाना पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। और इसे अच्छे से चलाते हुए हमें मिक्स कर लेना है। 2-3 मिनट के लिए हमें इसे लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। जो इसमें गांठें पड़ रही हैं ना, बस ये अच्छे से मिक्स हो जाए और दूध नारियल में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। तो बस हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा कर लेना है। तो ज़्यादा देर हमें इसे नहीं लगती है, कम से कम 5 या
छः मिनट हमें लगते हैं इसे बनाने के लिए, तो इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब नेक्स्ट और थर्ड भोग हम बनाने वाले हैं पंजीरी, तो इसे हम बनाएंगे धनिए से, यानी धनिया पाउडर से मैं इसे बना रही हूँ। ये पैकेट में धनिया पाउडर आता है, मैं इससे बना रही हूँ। ये बिल्कुल प्योर होता है, फिर भी आपको अगर लगे ये प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो आप सूखा खड़ा धनिया ले सकते हैं, उसे अच्छा सा रोस्ट कर लें और फिर उसे पीस लें। तो मैं इस पैकेट वाले धनिए से प्रसाद बना रही हूँ, जिससे जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, हमें इसे भूनना या पीसने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा कटोरी धनिया पाउडर, मैंने वही कटोरी से नापा है जिस कटोरी से मैंने नारियल का बुरादा नापा था और दूध नापा था, तो उसका आधा कटोरी धनिया पाउडर लिया है। कढ़ाई गर्म करी है धीमी आंच पर, उसमें 2 चम्मच डाल दिया है देसी घी, और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स इसमें डालकर रोस्ट कर लिए हैं। उसके बाद हमें डाल देना है धनिया पाउडर, और इसे भी हम चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे, मतलब भून लेंगे। धनिया में अच्छी सी खुशबू आने लगे और इसका कलर चेंज हो जाए, तब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादे से बहुत अच्छी पंजीरी बनकर तैयार होती है, तो इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा डालने के बाद हमें 1 से 2 मिनट इसको भूनना है। ज़्यादा भूनेंगे तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। 3 से 4 मिनट में ये पंजीरी बनकर तैयार हो जाती है। आपने ये धनिए से बनी पंजीरी मंदिरों में जन्माष्टमी के प्रसाद में खाई होगी, जो खाने में बहुत स्वाद लगती है। पंजीरी का आपको हल्का सा कलर चेंज दिखे, बस आपकी पंजीरी रेडी है। इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसी हुई चीनी। तो जितना हमने धनिया पाउडर लिया था, जिस कटोरी से हमने धनिया पाउडर नापा था, उतनी ही हमको पिसी हुई चीनी डाल लेनी है। तो इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे पंजीरी हमारी थोड़ी गर्म होनी चाहिए, तभी चीनी अच्छे से मिक्स होगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे साइड रख देंगे। चलिए इसके बाद बना लेते हैं लड्डू। तो नारियल का जो मिश्रण हमने बनाकर रखा था वो ठंडा हो चुका है, तो लड्डू का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। आपको बड़ा बनाना है तो आप बड़ा बना सकते हैं, छोटे साइज़ का बनाना है तो छोटा बना सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच की मदद से मिश्रण को लिया है और मैं उसी साइज़ का लड्डू बना रही हूँ, तो मैंने छोटे साइज़ का लड्डू बनाया है। अगर आप चम्मच से कंफर्टेबल नहीं है तो आप कोई भी बोतल का ढक्कन ले लें। अगर आपको बड़े साइज़ का चाहिए तो बड़ी बोतल का ढक्कन ले लें, छोटे साइज़ का चाहिए तो छोटी बोतल का। तो इसी तरह मैंने चम्मच की मदद से छोटे छोटे लड्डू तैयार कर लिए हैं। तो कृष्ण भगवान को माना जाता है कि मेवाओं से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, दूध दही से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा पसंद थी, तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही है लड्डू बनाने का। इसमें ना तो ज़्यादा मेवाएँ लगी हैं ना ज़्यादा टाइम लगा है, तो इसी तरह सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसके बाद मैंने थोड़ा सा नारियल का बुरादा लिया है और इन लड्डुओं को मैं इससे कोट कर ले रही हूँ। अगर आप चाहें तो कोट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे भी बना सकते हैं। कोट करने से क्या होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट में भी अच्छा लगता है। और इसके अलावा अगर आपका ये मिश्रण पतला हो जाता है, आपके लड्डू शेप में नहीं बन पाते, तो आप नारियल के बुरादे से कोटिंग करेंगे तो लड्डू अच्छे से बन जाएंगे। अगर फिर भी आपके लड्डू थोड़े से गीले रह जाते हैं, अच्छे से शेप में नहीं आ पाते, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, तो ये एकदम सेट हो जाएंगे। अब 3 प्रसाद तो हमने बनाकर तैयार कर लिए, अब 4th प्रसाद जो हमें बनाना है, ऐसा हम क्या बनाएं जो जल्दी से बन जाए और हमारे घर के सामान से बन जाए। तो फ्रूट्स से अच्छा प्रसाद कुछ नहीं है। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो सभी के घर में होते हैं, तो आपके घर में जो भी फल हो, फ्रूट्स हो, आप उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। अब 5वें प्रसाद के लिए, वैसे तो भगवान को माखन मिश्री बहुत पसंद होता है, तो माखन मिश्री हम इंस्टेंट नहीं बना सकते, हमने प्लान नहीं किया हुआ है तो हम माखन मिश्री तैयार नहीं कर सकते। तो इसकी जगह मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स, तो मेरे पास थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बचे हुए थे, मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए। उसमें रखा है काजू, बादाम, किशमिश, थोड़ा सा मखाने, नारियल और सौंफ मिश्री। तो 5वां प्रसाद भी हमारा तैयार है। तो ये पूरी थाली बनकर हमारी तैयार है। अगर आपको ये थाली अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें।